और जिन्हें वैरागी बनना है, जिनको वैराग्य प्राप्त करना है, वो भी भागवत की शरण में आ जाएं। यानी भागवत की शरण में आने से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों ही युवा अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन नारद जी महाराज के मन में एक प्रश्न आया। नारद जी महाराज ने सनकादिक ऋषियों को पूछा, गुरुदेव भगवान की कथा सुन करके इतना तो मैंने देख लिया कि ज्ञान वैराग्य जिसको मैं वेद वेदांत घोषिष्य गीता पाठैर मुहुर मुहु, मैं बार बार गीता का वेद वेदांत का पाठ करता रहा, लेकिन जो ज्ञान वैराग्य युवा अवस्था में नहीं आ सके, उन ज्ञान वैराग्य को भागवत की कथा सुना करके आपने जवान कर दिया। अब भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख दूर हो, ये तो बहुत साधारण सी बात है, लेकिन क्या कभी भागवत की कथा सुन करके किसी पापी का भी कल्याण हुआ है? सनकादिक ऋषियों ने कहा है, नारद जी भागवत की कथा की ऐसी महिमा है, भागवत भगवान की ऐसी महिमा है, ये तो एक सार्वजनिक प्याऊ है, यहां कौन पापी है कौन पुण्यात्मा है इसका कोई विचार नहीं किया जाता। जो भागवत की कथा में आ जाता है, जो भागवत भगवान के शरण में चला गया, वो चाहे जैसा भी हो, ये सबको भगवान से मिला देती है, सबको भगवान का धाम प्राप्त करा देती है। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सत्ताः यज्ञेन कलौ पुनन्तिते सत्ताः यज्ञेन कलौ पुनन्तिते। ऐसे मनुष्य जिन्होंने जीवन में कभी कोई शुभ कर्म नहीं किया है, बहुत ध्यान देना, जिन्होंने जीवन में कभी कोई शुभ काम न किया हो, जब से जन्म लिया और पूरे जीवन भर मृत्यु तक का पाप ही पाप किए हो, ऐसा महापापी यदि मरने के बाद भी इस कथा का श्रवण कर लेता है तो उस पापी का भी कल्याण हो जाता है। श्री नारद जी ने कहा, गुरुदेव जिसने जीते जी भगवान की कथा न सुनी हो, वो मरने के बाद कथा कैसे सुनेगा? अरे कथा तो जीते जी सुनी जाती है, अरे मरने के बाद कथा को कोई कैसे सुन सकता है? और यहां एक बड़ा सुंदर उपाख्यान सुनाया, गोकर्णोपाख्यान। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण जिनकी पत्नी है धुंधली, जिनके घर में राक्षस प्रवृत्ति का एक बेटा हुआ जिसका नाम रखा धुंधकारी। संत के प्रसाद के स्वरूप फल के रूप में एक धर्मात्मा बेटा हुआ जिसका नाम रखा गोकर्ण। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारीति धुंधकारी महाखलः। और वो धुंधकारी पूरे जीवन भर अब पाप कर्म ही करता रहा और उनके फल स्वरूप उसे प्रेत योनि में जाना पड़ा। तो धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्त करने के लिए उनके छोटे भाई गोकर्ण जी महाराज ने भागवत कथा का आयोजन किया। अब चूंकि धुंधकारी प्रेत योनि में है तो प्रेत का जो शरीर होता है वो वायु प्रधान होता है, हवा चलती है वो हवा उड़ा ले जाती है, वो कथा में बैठ नहीं पाता है।
तो एक सप्त ग्रंथि का एक बांस उस कथा में गाड़ दिया। उस सप्त ग्रंथि के बांस में आकर के वो धुंधकारी की आत्मा बैठ जाती है और कथा सुनता है बड़ी मनोयोग के साथ में।